आप सभी का इस ई लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राम गोपाल, मैं गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में कॉमर्स का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है बेसिकली एम कॉम के स्टूडेंट्स के लिए, एम बी कॉम के स्टूडेंट्स के लिए, एम बी ए के स्टूडेंट्स के लिए, एम आर एल के स्टूडेंट्स के लिए और एम आई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है ये बेसिकली मार्केटिंग से निकाला गया एक सब्जेक्ट है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का जब मीनिंग निकालते हैं तो जो लॉजिस्टिक वर्ड है बेसिकली ये निकाला गया है ग्रीक वर्ड लॉजिस्टिको से और आपके लैटिन वर्ड लॉजिस्टिक से, जिसका मीनिंग होता है द साइंस ऑफ कैलकुलेटिंग एंड कंप्यूटिंग। लेकिन जो प्राचीन समय में इसको जो ज़्यादा यूज करते थे वो यूज होता था आपका आर्मी की मूवमेंट के लिए, उनके लिए फूड सप्लाई करने के लिए। और जो इस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ने जो ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की, गति प्राप्त की, वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्राप्त की है, जब इसने वहाँ पर आर्मी को ढोने के लिए, उनके लिए अस्त्र शस्त्र ढोने के लिए बहुत ज़्यादा अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन जो आज के ज़माने में बिजनेस की क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है रॉ मटेरियल के मूवमेंट के लिए, जो प्रोडक्शन पॉइंट से लेके अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए इसका बेसिक प्रयोग होता है। तो जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है इसके अंदर हम बेसिकली स्टडी करते हैं प्रोडक्ट्स को उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके और पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाने की जितनी क्रियाएं होती हैं वो उसको लॉजिस्टिक के अंदर कवर करते हैं। तो मीनिंग में इसका आता है इट इज द आर्ट, इट इज साइंस ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोडक्ट सर्विसेज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर वेयर दे आर नीडेड, when they are desired and how they are required. Yes, it is the integration of many activities. इसके अंदर ये नहीं कि आप एक एक्टिविटी लेके चलते हैं, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे आपका इंफॉर्मेशन आती है, आपकी प्रोक्योरमेंट आती है, मटेरियल हैंडलिंग आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है और लास्ट में इसका वेस्ट मैनेजमेंट आता है। तो इस करके जो ये आपका लॉजिस्टिक है कोई एक गतिविधि नहीं है, इसके अंदर कोई एक एलिमेंट नहीं है, ये बहुत सारी गतिविधियों का एकीकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशंस ऑफ लॉजिस्टिक बेसिकली डेफिनेशन है काउंसिल ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यूएसए। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and related information from the point of origin to the point of consumption for the purpose of conforming the consumer requirements. तो इसके अंदर क्या है कि एक ऐसी आर्ट है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं गुड्स के एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फ्लो के लिए, जिससे कि हम अपने अंतिम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। नेक्स्ट डेफिनेशन है रॉबर्ट ए नोवेक की। इसमें क्या होता है कि जो आपकी लॉजिस्टिक है ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक्टिविटी है जिसके अंदर हम चार तरह की उपयोगिताओं का सृजन करते हैं। पहली आपकी आती है टाइम उपयोगिता, समय उपयोगिता, दूसरी आपकी आती है स्थान उपयोगिता, तीसरी आपकी आती है रूप उपयोगिता और चौथी आपकी आती है स्वामित्व उपयोगिता। तो सारी उपयोगिताओं का सृजन है जो मैनेजमेंट के लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है, जिससे कि हम अपने उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं की वस्तु उनके अनुसार डिलीवर कर सके। इस करके जो चारों उपयोगिता सृजन है बेसिकली वो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्लो ऑफ लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक है वो फ्लो किस तरह से कार्य करता है, उसका फ्लो क्या है, इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे, इसका इंटीग्रेशन क्या है, कैसे कंपिटेंसी क्रिएट करता है पूरे मैनेजमेंट के अंदर। देखिए सबसे पहले आपका है इन्वेंट्री फ्लो होता है। हमारा इन्वेंट्री जो होती है बेसिकली वो प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरर और उसको पहुंचाते हैं वो अपने एंड कंज्यूमर्स को, और एंड कंज्यूमर से हमारी सूचनाओं का फ्लो होता है, वो वहां से सूचनाएं भेजते रहते हैं। और बीच में आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग है और प्रोक्यूरमेंट है। तो ये क्रियाएं आपकी सहायक क्रियाएं आती हैं जिनके थ्रू आपका पूरा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कार्य करता है फ्लो के रूप में। नेक्स्ट आपकी आती है नेचर ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। जो आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले आता है फ्लो ऑफ गुड्स, स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स इसके अंदर होता है। देखिए जितनी भी आपकी क्रियाएं होती हैं किसी भी संगठन के अंदर उत्पादन की, निर्माण की, वो जब तक पूरी नहीं होगी जब तक आपके रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड्स का, अदर इक्विपमेंट्स का स्मूथ फ्लो नहीं होगा।
तो जो स्मूथ फ्लो है वो आपका बेसिकली पूरा करता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। जैसे हमने डिफिनेशन में पढ़ा है कि ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, तो इससे ये प्रूव होता है कि जो सिर्फ लॉजिस्टिक से ही आपका स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स हो सकता है, जिससे हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मूथली चल सकती है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अंदर फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, जब तक गुड्स का फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा तब तक ना ही प्रोडक्शन होगा और ना ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और हमारे फिजिकल मूवमेंट से ही हमारी टेंजिबल सर्विसेज की जो इफेक्टिवनेस नज़र आ सकती है। जितना हमारा इफेक्टिव मूवमेंट होगा, एफिशिएंट मूवमेंट होगा, उतना ही हमारा संगठन क्या है इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एक्शन, एकीकृत क्रियाएं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का कोई इसके अंदर एक क्रिया नहीं होती है, इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। डिमांड फोरकास्टिंग भी होती है, इंफॉर्मेशन का फ्लो भी होता है, इसके अंदर हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। इस करके जो हमारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है ये बहुत सारी क्रियाओं का इंटीग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट है फुलफिलिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। देखिए जो आज की 21st सेंचुरी की मार्केटिंग है, इसके अंदर जो कस्टमर को किंग माना गया है, और जब तक हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो तब तक हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स गेन नहीं कर सकते। तो जितनी भी कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एक लॉजिस्टिक सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद है कस्टमर सर्विस। कस्टमर की जो नीड्स हैं बहुत वेरिएंट्स हैं, सभी के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, वस्तुएं किस तरह की चाहते हैं वो, किस किस टाइम पे चाहते हैं, तो हमें हर एक अपने ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, उनको मॉडिफाई करना पड़ता है, जिससे कि हमारे ग्राहक हमसे संतुष्टि ना हो, हमसे खुश भी हों। हमारा मीनिंग सिर्फ यही नहीं कि हमारा ग्राहक हमसे सेटिस्फाई हो, इवन हमसे डिलाइट हो कि जो हमने डिलीवरी दी है, जो उत्पाद दिया है वो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस प्रकार हम ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करके दीर्घ अवधि तक हम लंबी अवधि तक हम लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ गुड्स। जब तक आपके पास एक अच्छा एफिशिएंट वेयरहाउस नहीं होगा तो तब तक आप उन गुड्स के अंदर वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म तक आप उसको प्रोवाइड नहीं करा सकते एट लोएस्ट कॉस्ट पर। तो लोएस्ट कॉस्ट पर गुड्स को लंबे समय तक अवेलेबल कराने के लिए हमारे पास हमारा एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा वेल मेंटेन वेयरहाउस होना चाहिए, जिसके अंदर हमारी वस्तुएं प्रोटेक्ट भी रहेंगी, उनको हम असेंबल भी कर सकते हैं, वहां से हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो जो वेयर हाउसिंग या भंडारण है वो हमारा बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। लास्ट है प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी कब होगी, जब हमें पूरा जानकारी होगा मार्केट का, सूचनाओं का फ्लो होता है कंज्यूमर टू मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के पास पूरी सूचनाएं हैं कितनी डिमांड हो सकती है नियर फ्यूचर में, तो उतना ही प्रोडक्शन करेंगे। जितना हमारा प्रोडक्शन होगा उतनी हमारी सेल होगी, जितनी हमारी सेल होगी तो उतने हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। इस करके जो आपके लॉजिस्टिक का जो प्रकृति है कि ये भी है कि इससे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और इससे हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी लंबी अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है लॉजिस्टिकल कंपोनेंट्स, जो इसका मेन पार्ट है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का, ये पूरे सब्जेक्ट को कवर करता है जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है। पहला आपका प्रोक्योरमेंट, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल मैनेजिंग, इन्वेंटरी, पैकेजिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट। तो अब हम इन हर एक कंपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका आता है प्रोक्योरमेंट। तो जो प्रोक्योरमेंट है यह एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम सप्लायर से रॉ मटेरियल या अपने उत्पादों को एक्वायर या एक्विजिशन करते हैं। तो एक्विजिशन करने की जो क्रिया है बेसिकली उसी को ही हम प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। प्रोक्योरमेंट के जो वेरिएशंस हैं, जो लोगों को कन्फ्यूजन होता है, प्रोक्योरमेंट है, परचेजिंग है, बाइंग है, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो देखते हैं पहले कि आपका परचेजिंग कब यूज करते हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं वो बेसिकली इसके लिए परचेजिंग टर्म का यूज करते हैं। जब गवर्नमेंट एक्वायर करती है गुड्स को लोकल मार्केट से कहीं से भी, तो वहाँ पे उसके लिए प्रोक्योरमेंट शब्द का यूज होता है। और रिटेलिंग और होलसेलिंग एक्टिविटी के अंदर, जो आपकी खुदरा और थोक क्रियाएं हैं उनके अंदर बेसिकली बाइंग जो टर्म है उसका यूज करते हैं। और जो इन मैनी सर्कल्स जो बिजनेस के अंदर बहुत सारे व्यापक क्षेत्र के अंदर, हम इन सभी क्रियाओं के लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक। जो हम उत्पाद को डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले तक की क्रियाएं करते हैं उन सभी को हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट स्टेप हमारा है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है,
इसके अंदर हम गुड्स का स्मूथ फ्लो करते हैं कि हमारी जो गुड्स हैं वो कम कॉस्ट पर और इफेक्टिवली हमारे एंड यूजर तक पहुंच सके। इसको हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लेके आते हैं। इसके जो मेन फंक्शंस हैं ट्रांसपोर्टेशन के, दो फंक्शंस हैं। पहला है मूवमेंट फंक्शन है, दूसरा है स्टोरेज है प्रोडक्ट का। तो मूवमेंट के अंदर क्या आता है कि जो गुड्स को हमने फिजिकली मूव करना होता है, जहां पर हमारे एंड कंज्यूमर्स बैठे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, टाइमली पहुंचाना होता है, इफेक्टिवली पहुंचाना होता है, कॉस्ट भी कम आए, तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन के हैं मेथड्स वो काम करते हैं। जो इसका सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है, फंक्शन है, वो है प्रोडक्ट का स्टोरेज है। देखिए, जब भी हम गुड्स को मूवमेंट करते हैं तो उस टाइम हम उसको स्टोरेज भी करते हैं, ऐसे नहीं कि हम उसको उठा के ले गए। तो स्टोरेज का जो काम है वो भी मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, जैसी गुड्स है उसकी नेचर कैसी है। पेरिसेबल गुड्स के लिए आपको जो शीतलक होते हैं, जो ठंडे होते हैं, ऐसा आपको पैकेजिंग करनी पड़ती है, उनको ऐसे आप मोड को सेलेक्ट करना पड़ता है। जो पेरिसेबल गुड्स के लिए आपको जो जिनकी स्पीड ज़्यादा हो, जो जल्दी पहुँचा सके, ऐसे कैब सेलेक्शन करना पड़ता है। तो इस करके आपको जब ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है तो उसका प्रॉपर स्टोरेज भी होना चाहिए कि जिससे जो वस्तुएं हैं उसी शेप में, उसी क्वांटिटी क्वालिटी में ग्राहक तक पहुंच सके। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि कौन कौन सी विधियां उपलब्ध हैं ट्रांसपोर्टेशन करने की। पहली है सरफेस, जो धरातल पर होते हैं, इसके अंदर बेसिकली हमारी रोड आते हैं। रोड्स के अंदर क्या क्या आएगा, मोटर व्हीकल्स आ सकते हैं, रेलवे आ सकती है, और आइदर मैनुअल जो कार्ट वगैरह होती है, तो वो तीन बेसिकली इसके अंदर है। पाइपलाइन भी सरफेस के अंदर इंक्लूड होता है। तो सेकंड आपका वाटर, वाटर में जो आपके शिप होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, उनके द्वारा हम ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये जो आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, जो जल आपका यातायात का साधन है, ये कभी होता है जब आपकी वस्तुएं हैं ड्यूरेबल होती हैं, पेरिसेबल नहीं है, उनको हमें उनकी वैल्यू भी ठीक ठाक है, तो उसको हम बाय वाटर वेज ही पहुंचाते हैं। लेकिन जो आपकी वस्तुएं ज़्यादा महंगी होती है, पेरिशेबल होती हैं, डेलिकेट होती हैं, तो उनके लिए हम जो लास्ट ऑप्शन है एयरवेज, उसको हम ऑप्शन को अपनाते हैं, जो बाई एरोप्लेन हम उसको डिटर्मिन करते हैं, उसको हम अडोप्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका इसी के अंदर आता है कि जो आपके ट्रांसपोर्टेशन है इसको कौन कौन से कार्य प्रभावित करते हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा मोड सेलेक्ट करें, सरफेस, वाटर, एयर, इनके लिए क्या क्या हमारे पास क्राइटेरिया। पहला हमारा होता है कॉस्ट का, कि किसकी कॉस्ट कम आती है, तो कोस्ट कंपैरिजन करते हैं, जिसकी कोस्ट कम आएगी तो सबसे पहले से कुछ हम सिलेक्ट करते हैं। सेकंड होता है हमारा हमारा स्पीड होता है। स्पीड में हम ये देखते हैं कि हमारी जो चीज़ है, गुड्स है, वो किस नेचर की है, हमें स्पीडली पहुंचाना है, तो उसके लिए हम जो बाई एयरवे सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारे गुड्स ड्यूरेबल हैं तो उसको हम आराम से पहुंचा सकते हैं बाई रोड, और हमारा बाई वाटर भी हो सकता है। और थर्ड हमारा है कंसिस्टेंसी, संगतता, कि जो हमारी वस्तुएँ हैं किस मोड के अंदर फिट बैठती हैं, जो परिवहन का साधन है जिसके अंदर हमारी वस्तु फिट बैठेंगी, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टोएबिलिटी, स्थानीयता, कि कौन सी वस्तु किस व्हीकल के अंदर हमारी वस्तु फिट बैठ रही है, तो हम उसको सिलेक्ट करके वहाँ भेजते हैं। और लास्ट आपका आता है गवर्नमेंट रेगुलेशन। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन चला रखे हैं, कुछ प्रावधान है, उनको पूरा करने के लिए हमें सिर्फ वही मोड सेलेक्ट करना पड़ता है जिसको गवर्नमेंट ने अलाउड किया है, जिसको गवर्नमेंट डिटर्मिन कर रखा है। तो ये हमारी मजबूरी होती है जब गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग हम उसको सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग एक लॉजिस्टिक का बहुत अहम और इम्पोर्टेंट पार्ट है। वेयर हाउसिंग एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे हम अपने इन्वेंट्री को रिसीव करते हैं, स्टोर, असेंबल, असोर्टेड, पैक्ड एंड शिप्ड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड्स, कि मार्केट में कितनी चीज़ की अवस्था कब कब है, उसी के अनुसार हम उस वस्तु को रिसीव करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, वहाँ पे उसको स्टॉक रखते हैं, और जैसा ऑर्डर आता रहता है वैसा उसको शिप्ड आउट करते रहते हैं मार्केट में, कि जिससे मार्केट की अवस्थाओं की पूर्ति होती रहे, मार्केट में हमारे जो माल की शॉर्ट ना हो और हमें सेल आउट से ना होना पड़े। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। जो इसके अंदर पहला टाइप्स है वो बॉन्डेड वेयर हाउस है। बॉन्डेड जिसके अंदर हम ना कोई चीज़ बांध के रखते हैं, जैसे आपकी म्यूनिसिपैलिटी है, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, वो आपकी जो आइटम्स प्रोडक्ट्स हैं उनको चेकिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो तब तक वो बॉन्ड में रखते हैं उनको। तो जो वस्तुएँ उस टाइम पर रखते हैं वो आपकी चीज़ों को, उसको हम बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। आप जो निर्धारित कोई वहाँ पे कर निर्धारित कर रखा शुल्क है, फीस है, उसको देख के आप अपने मटेरियल को वहाँ से छुड़ा सकते हैं। लेकिन जब तक आपने अपनी फीस की, ऑक्टोरी की और कर की आपने पेमेंट नहीं किया, तब तक आपका जो मटेरियल है वो बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट आपका फील्ड वेयर हाउस।
जो फील्ड वेयरहाउस है बेसिकली उन वस्तुओं के लिए हैं जो आपकी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होती है या जिनकी पेरिसेबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे आपकी लोग हैं, लकड़ी के लट्ठे होते हैं, आपका मार्बल्स है, ईंटें हैं, तो उनके लिए हमारे पास फील्ड वेयरहाउस होता है जो क्षेत्र आपके भंडारगरी होते हैं। नेक्स्ट आपका रेफ्रिजरेटेड वेयरहाउस, इसको बोलते हैं प्रशीतक भंडारगरी। ये आपकी सब्जियों के लिए, दूध के लिए, पेरिसेबल गुड्स के लिए जो जल्दी खराब हो सकती हैं, जिनको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए हम रेफ्रिजरेटेड वेयरहाउस की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल वेयरहाउस, इसमें जो हमारे एग्रीकल्चरल उत्पाद होते हैं, चाहे हमारे फर्टिलाइजर्स हैं या हमारे उसके बाद की क्रॉप्स की हमारी ग्रेन्स हैं, तो उसको हम जब स्टोर करते हैं उसके लिए हमारे लिए जो ऑप्शन होता है वो एग्रीकल्चर वेयरहाउस होते हैं, कृषि योग्य हमारे भंडारगरी होते हैं। उसका डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस है, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण जो वेयरहाउस होते हैं यहाँ सिर्फ वितरण काम करते हैं। जैसे गांव में आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट अपना माल पहुँचाती है, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आगे पहुँचाता रहता है, उसमें कुछ नहीं करता एडिशन, वो सिंपली वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे हर एक शहर सिटी के अंदर फर्टिलाइजर्स आते हैं, एजेंसी होती है वहाँ पे, उसके थैले आते हैं फर्टिलाइजर के, उनको वहाँ से प्रोक्योर करता है और आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउसेज होते हैं, वितरण आपके भंडारगरी होते हैं, सिर्फ वितरण काम करते हैं, अदर एक्टिविटीज़ को शेयरिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बफर स्टोरेज वेयरहाउस, जो कई बार क्या होता है कि हमारे पास एकदम से जो हमारा स्टॉक है वो शॉर्ट हो सकता है, तो फिर हमारी अगर एकदम से शॉर्ट हो गया तो हमें धक्का लगेगा और हमारी जो सेल है वो शॉर्ट हो जाएगी, तो उसके लिए हमारे पास बफर स्टॉक होता है। कहते हैं जो जोर का झटका धीरे से लगे, कि आपको जो शॉक लगना था वो इतनी जल्दी नहीं लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, आप उस सेल को मेंटेन कर सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक आपका ऑर्डर फुलफिल नहीं होता, आपके पास डिलीवरी नहीं मिल जाती नेक्स्ट मंथ के लिए। नेक्स्ट आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वेयरहाउस, ये बेसिकली आपके बंदरगाहों पर, पोर्ट्स पर होता है, जहाँ पर हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं। तो जब हम अपने माल को इम्पोर्ट करते हैं तो उससे पहले गवर्नमेंट एजेंसी जांचती है कि क्या माल कितनी क्वांटिटी में, किस तरह का मॉडल आपने वहाँ से इम्पोर्ट किया है, उसकी इंस्पेक्शन करती है, आपसे फीस लेती है, उसके बाद आपको उसकी डिलीवरी मिलती है। और जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको इंस्पेक्शन करना पड़ता है माल का, कि आपने जो माल भेज रहे हैं बाहर, जो आपके एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, आपकी गुड्स वही हैं, क्वांटिटी क्वालिटी सेम है, किस कंट्री को जा रहा है, तो तब तक आपका माल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो वेयरहाउस होते हैं वहाँ पर आपका स्टोर होता है। उसके बाद आपका जनरल मर्केंडाइज वेयरहाउस, जो सामान्य वस्तुएं आपकी होती हैं, जो आप घर में यूज करते हैं, आपकी बिस्किट्स हैं, जो आपकी फूड ग्रेन्स हैं, उनके लिए जो आपका टेक्सटाइल है, तो उनके लिए आपका जनरल मर्केंडाइज वेयरहाउस होता है। तो ये जो आपके सामान्य से सभी शहरों के अंदर होते हैं, जिसमें आप अपनी सामान्य वस्तुओं को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट आपका है हाउस होल्ड गुड्स एंड फर्नीचर वेयरहाउस, जो बेसिकली हाउस होल्ड गुड्स होती है, जो हम घरों में यूज करते हैं, अब इधर आपके यूटेंसिल्स हैं या आपके अदर्स हैं, तो उनके लिए स्पेशल वेयरहाउसेज होते हैं, और फर्नीचर के लिए आपके अलग से वेयरहाउस होते हैं, कि फर्नीचर का स्टाइल कैसा है, डिजाइन कैसा है, कितना बड़ा है, कितना वैल्यूएबल है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्नीचर के लिए भी अलग से अपने वेयरहाउस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेज। नेक्स्ट आपका है ऑप्शंस ऑफ वेयरहाउसेज, हमारे पास वेयरहाउस के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं। पहला है प्राइवेट वेयरहाउसेज, जो निजी आपके भंडारगरी होते हैं, इसमें स्वामित्व भी खुद स्वामी का ही होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो सब खुद का होता है, वो सिर्फ अपना माल ही रखता है उसके अंदर, दूसरे को अलाउड नहीं होता, उसने अपने जो फैक्ट्री के पास बना रखा है, अपने प्रेमीज में है, प्लांट में बना रखा है, तो जो माल प्रोड्यूस होगा उसको वहाँ पर रखेगा, जो रॉ मटेरियल आएगा उसको वहाँ पर रखेगा, तो उसको व्यक्तिगत यूज के लिए होता है, वो उसको बाहर किराए पर नहीं देता या किसी और के लिए वो अलाउड होता है यूज करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है पब्लिक वेयरहाउस, इसमें क्या होता है कि आपके पास खुद का आपका वेयरहाउस नहीं है, तो आप जो पब्लिक वेयरहाउस बने हैं, आप बाहर किसी से रेंट पे लेकर स्थान वहाँ पर अपने माल को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, और ये हर एक सिटी में बने होते हैं, कई बार गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट वेयरहाउसेस, इसमें क्या होता है कि आपने जो अपना माल स्टोर करना है, किस थर्ड एजेंसी से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उनके पास उनका वेयरहाउस है, तो आप अपने माल को कुछ समय के लिए, जब तक आपको रिक्वायरमेंट है, आप कुछ अपने रेंट पेमेंट करने के बाद वहाँ पे अपने माल को स्टोर कर सकते हैं, इसको थर्ड जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट या आपका अनुबंध पर आपका वेयरहाउस होता है, उससे भी आप अपने माल को स्टोर कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, अपना खुद का वेयरहाउस बनाने की बजाय। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है मटीरियल हैंडलिंग, मटीरियल हैंडलिंग बेसिकली होता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है, प्रोटेक्शन होती है, स्टोरेज होती है, जिससे कि हम अपने पूरी प्रोडक्शन
प्रोडक्शन प्रोसेस से लेके और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन तक किस किस तरीके से अपने मटेरियल की मूवमेंट करनी है, उठाना है, रखना है, उसको पैकेज करना है, तो उसके इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि आपने किसी मटेरियल को कैसे उठाना है, उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, फ्रंट से पीछे से इसको कैसे क्लैंप करना है हमें, तो सारे इंस्ट्रक्शन आपकी मूवमेंट के अंदर, सॉरी आपकी मटेरियल हैंडलिंग के अंदर दी होती है। तो मटेरियल हैंडलिंग के जो मेथड्स बेसिकली वो तीन हैं अभी प्रचलन में। पहला आपका मैनुअल है जिसको हम मानवीय बोलते हैं, इसे बेसिकली जो काम करते हैं उठाने का, रखने का, सारा रख रखाव का काम वो मनुष्य करते हैं। ये ज़्यादा प्रचलन में आजकल नहीं ही है क्योंकि आजकल जो हमारा जमाना है वो मशीन का है, ज़्यादा मशीनें काम कर रही हैं, तो मैकेनिकल सेकंड हमारा मेथड आता है। इसमें आदमी मशीन को ऑपरेट करता है और उससे उठा के रखता है, जैसे आपकी जेसीबी मशीन्स वगैरह हैं जिनसे मिट्टी वगैरह उठवाते हैं, या आपकी जो बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर मशीनें होती हैं उनको जो मैन ऑपरेट करते हैं उनसे रखवाते हैं, उनको हैंडलिंग करते रहते हैं। जो थर्ड हमारा है ऑटोमेटिक मेथड, ये मेथड एडवांस कंट्री में ज़्यादा यूज होता है। इसमें मैन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इंस्ट्रक्शन फिलअप होती है, सारा कंप्यूटर से काम करते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली काम करते रहते हैं। जो रोबोटिक्स बेसिकली होते हैं वो आपका ऑटोमेटिक मेथड के अंदर आता है। इसमें मशीन अपने आप काम करती है, मैन की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सबसे फास्ट और सबसे स्मूथ तरीका आपका आज का प्रचलन में है जो मटेरियल हैंडलिंग के लिए है। नेक्स्ट आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस समय पर अपना इन्वेंट्री मेंटेन करना है अपने स्टोर के अंदर, कि जिससे हमारी सेल भी कम ना हो और हमारा प्रोडक्शन भी चलता रहे। अगर हमने ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन किया तो हमें उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वहन करनी पड़ती है, अगर हमने कम किया तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, इससे हमारी सेल कम हो जाएगी। तो हमने एक ऐसा स्तर मेंटेन बनाना होता है जिससे कि हमारा प्रोडक्शन भी चलता रहे स्मूथली और हमारी सेल भी बनी रहे। तो इस करके हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है एक ऐसे साइंस की तरह काम करता है जो बताता है कि सेल और प्लेसमेंट ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, हमने अपने वेयरहाउस के अंदर कितना माल रखना है, किस तरीके से रखना है कि हमारी जो जगह ज़्यादा बची रहे, हमारा ज़्यादा स्टॉक बना रहे वहाँ पे, और जो डिफरेंट लोकेशंस पर रिक्वायर्ड होता है, कहाँ कहाँ पर कितना पहुँचाना होता है, ये सारा जो काम है ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है। इसमें बेसिकली जो मेथड्स होते हैं हीफो फीफो लिफो मेथड्स हैं, उन्हीं से हम इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। लिफो मेथड्स में लास्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो मेथड्स में क्या होता है कि हाई इन फर्स्ट आउट होता है, तो इन मेथड से हम अपने स्टोर के अंदर इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, जिससे कि हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकें वो कौन कौन से टेक्निक हैं। पहली है बेसिक ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यह एक ऐसा स्तर होता है हमारा अपने इन्वेंट्री का स्कंद का कि जिसपे हमारी कॉस्ट मिनिमम होती है और हमारा स्तर भी ऑप्टिमम बना रहता है, यथेष्ट रहता है हमारा, कि इससे नीचे हमारा स्तर गया तो हमें लॉस हो जाएगा, अगर उससे ऊपर हमारा चला गया तो हमें फिर भी लॉस होगा क्योंकि हमें मेंटेनेंस कॉस्ट को वहन करना पड़ता है। तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है हमारे इन्वेंट्री का, जिससे कि हम अपना कॉस्ट को मिनिमम कर सकें और हमारी जो सेल को बढ़ा सकें और हमारा प्रोडक्शन भी स्मूथली चलता रहे। नेक्स्ट हमारा है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस के अंदर हम गुड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए टाइप गुड्स, बी टाइप गुड्स एंड सी टाइप गुड्स। जो ए टाइप गुड्स होती हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं और वो कंपनी के अंदर 70% उनकी वैल्यू होती है, लेकिन 10% उनकी क्वांटिटी होती है। ओनली 10% गुड्स होती हैं, इनकी वैल्यू है वो 70% होती है। इस करके जो ये गुड्स है इनकी ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, मैनेजमेंट को ज़्यादा केयर करनी पड़ती है क्योंकि वैल्यूएबल होती हैं ज़्यादा और इनकी जो क्वांटिटी बहुत कम होती है। सेकंड आपकी आती है बी टाइप गुड्स। बी टाइप गुड्स होती हैं जो आपके संगठन के अंदर 20% होती है, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। उनकी जो क्वांटिटी है वो 20% होती है और उनकी वैल्यू भी 20% होती है। इस करके मीडियम दर्जे की होती है, इन पे प्रबंधक को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और थर्ड आपकी आती है सी टाइप्स ऑफ गुड्स। ये बेसिकली 70% इनकी क्वांटिटी होती है और 10% इनकी वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि ये कम वैल्यूएबल होती है लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा होती है। इस करके मैनेजमेंट को इनके ऊपर कुछ ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं होती है, इनको हम जनरली भी मैनेज कर सकते हैं। थर्ड टाइप की आपकी आती है वीईडी एनालिसिस। VED भी हम गुड्स को उसकी क्रिटिकलिटी के अनुसार उसको क्लासिफाइड करते हैं कि कौन कौन सी जो वस्तु है कितनी क्रिटिकल है हमारे लिए, उसके अनुसार हम वस्तुओं को क्लासिफाई करते हैं। पहले आपकी है V, V stands for vital,
जो हमारे लिए इतनी जरूरी है कि अगर ये शॉर्ट हो गई, कम हो गई, तो हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, एकदम से आगे चल ही नहीं सकता। सेकंड होती है एसेंशियल। एसेंशियल गुड्स वो होती हैं कि इनके बगैर कुछ समय के लिए काम चल सकता है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन पूरी तरीके से नहीं चल सकता। ये आपकी एसेंशियल गुड्स होती हैं। थर्ड आपकी होती है डिजायर्ड गुड्स। डिजायर्ड गुड्स वो हैं कि जिनके बगैर हमारा काम चल सकता है, लेकिन हमारी लास्ट सेल नहीं हो पाएगी, क्योंकि डिजायर्ड होती हैं। लास्ट सेल करने के लिए डिजायर्ड गुड्स होनी बहुत जरूरी है, तब जाके हमारे जो गुड्स की फिनिशिंग हो पाती है, हम लास्ट अपने कंज्यूमर को डिलीवर कर सकते हैं। फोर्थ आपकी आती है एचएमएल एनालिसिस। एचएमएल के अंदर आता है जो गुड्स को हम उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, कौन सी कितनी हाई कॉस्ट की है, कौन सी लो कॉस्ट की है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करते हैं। पहले हमारा है हाई वैल्यू गुड्स, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम अलग केयर करते हैं। दूसरी मीडियम वैल्यू गुड्स होती है, जिनकी वैल्यू जो मध्यम होती है। और तीसरी है जो लो, जिनकी बहुत कम कीमत होती है, जो हमने अभी ABC के अंदर पढ़ा था, वो इसी का ही बिल्कुल उसी का इनकॉर्ड करता है जो विधि है। SDE stands for, S stands for scarce, D stands for difficult and E stands for easily. ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो हमें स्केयर्सली मिलती हैं, बहुत दुर्लभ होती हैं। दूसरी होती है डिफिकल्टी से मिलती हैं, मिल जाती है, डिफिकल्टी को लेना ही होती है। और थर्ड होती है जो ईजिली मिल जाती हैं। तो हम इन तीन चीज़ों का जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है इसकी, इनकी उपलब्धि के अनुसार करते हैं कि कौन सी वस्तु हमें आसानी से मिल जाती है, कौन सी कठिनाई से मिलती है और कौन सी दुर्लभ है। तो जो दुर्लभ होगी उसके में ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उसका मिलना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है FSM। इसका है फास्ट मूविंग एंड नॉन मूविंग गुड्स। ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो बिल्कुल फास्ट मूविंग होती हैं, कुछ नॉन मूविंग होती हैं, जो स्लो मूविंग भी होती हैं। तो जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं उनके में डेली अक्वायरमेंट करनी पड़ती है, और जो स्लो मूविंग है या नॉन मूविंग है तो उनके में कभी कभार एक्विजिशन करनी पड़ती है। इस करके हमें ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट करने की, वो फास्ट मूविंग की होती है। नेक्स्ट है गोल्फ एनालिसिस। गोल्फ है गवर्नमेंट, ऑर्डिनरी, लोकल एंड फॉर। गवर्नमेंट से कई चीज़ों को हम एक्वायर करते हैं, तो वहाँ पर हम पहले एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तो काफ़ी हमारा टेक्निकल काम होता है। इस करके हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है जब हम कोई वस्तु गवर्नमेंट से खरीदते हैं। सेकेंड है ऑर्डिनरी, जो हमें सामान्य तौर पर मार्केट में मिल जाती है, तो उसके लिए हमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती छानबीन करने की, क्योंकि वो हमेशा नीचे उपलब्ध हो रही है। उसके बाद आपकी आती है लोकल गुड्स, जो लोकली आपके पास उपलब्ध है, हर टाइम आप उसको कभी भी खरीद सकते हैं जितनी मात्रा में। तो लोकल गुड्स के रिगार्डिंग आपको कोई ज़्यादा जरूरत नहीं मैनेजमेंट करने की, क्योंकि वो हर समय आपके पास उपलब्ध होती है। और जो लास्ट इसमें स्टैंड्स फॉर फॉरन गुड्स, जो वस्तुएं आपको विदेशों से मंगवानी पड़ती है, तो उनके लिए आपको लंबी तैयारी करनी पड़ती है, इस करके इसको भी आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है, इनको मेंटेन करना पड़ता है कि कभी भी आपका जो इन्वेंट्री है वो शॉर्ट ना हो जाए। उसके बाद है SOS एनालिसिस, सीजनल एंड ऑफ सीजनल एनालिसिस। ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो सीजनल होती हैं, कुछ ऑफ सीजनल होती हैं। जो सीजनल गुड्स हैं उनके लिए स्टोर करना पड़ता है, जो ऑफ सीजनल है हमें पैनल मिलती रहती है, पूरे साल भर उसकी सप्लाई रहती है, तो उसके लिए भी कोई चिंता का विषय नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास उसकी सप्लाई पैरेनियल है, 12 मासी चलती रहती है। उसके बाद लास्ट आपका है XYZ एनालिसिस। XYZ एनालिसिस लाइक टू ABC एनालिसिस। इसको भी हम गुड्स को उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसकी क्रिटिकलिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। XY गुड्स हैं जो आपकी हाई वैल्यू गुड्स हैं, Y गुड्स हैं जो आपकी मीडियम की हैं, और Z वो हैं जो आपकी लो वैल्यू गुड्स होती हैं। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन था इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स का। नेक्स्ट स्टडी करते हैं पैकेजिंग। जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग को बेसिकली मार्केटिंग का 7th P भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपकी अच्छी पैकेजिंग नहीं हुई गुड्स की, तो तब तक आपका माल नहीं बिक सकता। तो पैकेजिंग के अंदर जो प्रोसेस होती है, वो गुड्स को इनक्लोजिंग करने की कंटेनर के अंदर, रैपर्स के अंदर, जिससे उनकी प्रोटेक्शन हो सके, उनकी अच्छी एडवर्टाइजिंग हो सके और वो अट्रैक्टिव लगे अपने कंज्यूमर को, तो जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम पैकेजिंग बोलते हैं। पैकेजिंग के अंदर बेसिकली हम गुड्स को बोटल्स में, कैंस में, ट्यूब्स में, हम उनको पैक करके फाइनल कंज्यूमर तक भेजते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम पैकेजिंग बोलते हैं। तो आपको पैकेजिंग और पैकिंग दोनों से अलग अलग करना पड़ेगा। जो पैकेजिंग होती है वो सिंगल आइटम के लिए होती है, जो आपकी ग्राहक तक जाती है, और जो पैकिंग होती है वो आपकी बल्क में होती है, जो आपके बड़े बड़े कंटेनर्स में कोरिगेटेड बॉक्स के अंदर रखते हैं, जिसको हम ट्रक्स में या शिपिंग पर्पज के लिए उनको पैक करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है पैकेजिंग मटेरियल्स। इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल होता है पैकेजिंग के लिए, बेसिकली जब आप देखते हैं कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको ग्लास कांच की वस्तु में होते हैं, जैसे आपका सेंट वगैरह है, आपकी कुछ मेडिसिन होती हैं,
तो वो आपकी कांच की बोतलों में होती है, तो ग्लास पैकेजिंग उनकी होती है, कुछ आपकी पेपर कागज़ में होती है, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं मार्केट के अंदर जो कागजों में रैप्ड होती हैं। उसके बाद प्लास्टिक है, प्लास्टिक में प्लास्टिक कंटेनर भी होते हैं, पॉलीथीन बैग्स भी होते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा व्यापक प्रयोग में होती है जो आपकी प्लास्टिक की पैकेजिंग है। उसके बाद एल्यूमिनियम है, कई चीज़ें आपकी जो ज़्यादा मूल्यवान होती हैं, ज़्यादा आपकी ड्यूरेबल होती हैं, तो उनको एल्यूमिनियम के अंदर भी उनकी पैकेजिंग करते हैं। वुड्स में, तो वुड्स में पैकेजिंग बहुत चीज़ों की आती है, जैसे आपकी वायर्स होती हैं, आपके कई ग्लास वेयर्स होते हैं तो वो भी आपकी वुड्स से ही होते हैं, आपके फ्रूट्स होते हैं तो वो भी आपकी वुड्स की जो बॉक्स बने होते हैं उनके अंदर उनकी सप्लाई करते हैं। टेक्सटाइल्स में होते हैं, कई कपड़ों में भी होते हैं लिपटे हुए, बहुत सी वस्तुएं होती हैं। उसके बाद आपके कोरूगेटेड फाइबर बोर्ड्स होते हैं, जो धारीदार ऐसे आपके गत्ते बने होते हैं, जो बेसिकली देखने को मिलते हैं बाजार के अंदर, उन बोर्ड्स के अंदर भी कई बार पैकिंग करके हम माल को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग एक ऐसा वर्कफ्लो है, एक ऐसा हमारा सिस्टम है जिसके तहत हम ग्राहक से उसके ऑर्डर लेते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री करते हैं, ऑर्डर को पिक करते हैं, उसको फिर हम फुलफिल करते हैं, उसको डिलीवरी देते हैं। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत अहम हिस्सा होता है। जब तक हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग इफेक्टिव नहीं होगा तो तब तक हम अपने उत्पाद की सेल नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, इसकी बेसिकली 6 एक्टिविटीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। पहली है कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर। सबसे पहले एक आपका उपभोक्ता होता है, वो आपको ऑर्डर देता है, आप उस ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं, आप उस ऑर्डर को रिसीव करते हैं, कंफर्म करते हैं। ऑर्डर देने के आजकल बहुत से तरीके हैं, ऑनलाइन भी हैं, आप मेल से भी कर सकते हैं, पोस्ट से भी कर सकते हैं, तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा आप उस ऑर्डर को स्टडी करते हैं, उसको आप पूरे को पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे जो ऑर्डर में मिला है कई वस्तु हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको लगता है कि इसको हम फुलफिल कर सकते हैं तो आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करके उसको कन्फर्म कर देते हैं। ऑर्डर सीड बाय सप्लायर, जैसे लगता है कि जो ऑर्डर हमारे पास आया है इसको हम आसानी से फुलफिल कर सकते हैं तो सप्लायर उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके लिए वो कन्फर्म करके कस्टमर को रिप्लाई करता है। उसके बाद ऑर्डर प्रोसेस्ड, ऑर्डर फिर वो प्रोसेसिंग एक्ट में आता है, उसके लिए फिर एक्शन शुरू होता है, उसकी एंट्री करते हैं रजिस्टर के अंदर, हम उस पर देखते हैं कि रजिस्टर के अंदर चेक करते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल भी है कि नहीं है, उसके बाद हमारा जो ऑर्डर है वो प्रोसेसिंग में शुरू हो जाता है। उसके बाद ऑर्डर पिक एंड पैक, ऑर्डर को हमने पार्टिकुलर उठाया, हम स्टोर के अंदर गए, हमने चीज़ों को उठवाया, उस स्लिप से मैच किया, उन चीज़ों को पिक करवा के उसको पैक करवाते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास हमारे स्टोर के अंदर अवेलेबल है उनको पिक करवाए, उनको पैक करवा के हम बाहर ले के आते हैं। जैसे हमारी चीज़ें जो पैक हो गई वहाँ पे, हमारी गुड्स पैक हो गई हैं, उसके बाद उस पैकेट को हम बाहर शिपिंग के लिए तैयार रखते हैं कि हमने अपने जहाज के अंदर जो कटरक है उसके अंदर लाद के हमने बाहर भेजना होता है। और लास्ट इसके अंदर जो पॉइंट होता है ऑर्डर डिलीवरी टू द कस्टमर, कस्टमर को हमने लास्टली ऑर्डर डिलीवर करना है जहाँ पर उसने डिमांड किया, रिक्विजिशन किया कि मुझे मेरी चीज़ की जो आवश्यकता है इस जगह पर है, तो हम उसको उसकी चीज़ को वहीं पे पहुंचाते हैं जिस कंडीशन में या जब वो चाहता है। तो इस स्टेप से आपके ऑर्डर प्रोसेसिंग में। अगला हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है, इसके अंदर ही होता है कि जो गुड्स हमारे पास है उसको अपने फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचाना होता है। हमारे पास जो गुड्स तैयार हो गया बन के फिनिश गुड्स हैं उनको हमने अब अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड्स जहाँ पे जितनी वस्तु की आवश्यकता है हम उसको वहाँ पे डिस्पैच करते हैं। उसके पैटर्न्स तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के 3 ही पैटर्न है मार्केट के अंदर। पहला है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका बहुत व्यापक होता है। इंटेंसिव के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ होती है कंपनी की वो आपको हर एक जगह अवेलेबल होती है, जैसे आपका ना कोक है, कोका कोला है, ये आपको 5-स्टार होटल से लेके आपको ढाबे वाले तक अवेलेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका कोका कोला है इसका एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ भी जाओगे आपको हर एक जगह ढाबे पे, रोड पे, किसी मेले में, कॉन्फ्रेंस में, सभी जगह आपको कोक की बोतल रखी मिलेगी। इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत एक्सटेंसिव है। नेक्स्ट है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्टिव में होता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का राइट है वो कुछ सिलेक्टिव पर्सन को है, सभी को नहीं है। जैसे एक शहर के अंदर है कुछ सिलेक्टिव दुकानदार हैं, कुछ सिलेक्टिव एजेंट्स हैं जो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। कई चीज़ों की सिलेक्शन होती है कि जो आपके शूज़ हैं ब्रांडेड वो सभी के पास कुछ नहीं होते हैं, वो कई जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स होते हैं, बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उन्हीं को उसका राइट होता है, तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट आपका है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन।
केवल मात्र होता है किसी किसी के पास राइट। ये बेसिकली एक सिटी के अंदर एक पर्सन को मिल सकता है रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कहीं किसी भी सिटी के अंदर मारुति का एक ही आपको शोरूम मिलेगा, महिंद्रा का शोरूम मिलेगा, कभी भी एक सिटी के दो नहीं मिलते, बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आपको दो मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो गुड्स का होता है। नेक्स्ट आपका है रिसाइकलिंग रिटर्न्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तक आपका लॉजिस्टिक के अंदर रिसाइकलिंग रिटर्न्स और वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा तो तब तक आपकी लॉजिस्टिक की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। तो रिसाइकलिंग या रिटर्न को हम बोलते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक। रिवर्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली लॉजिस्टिक मैंने पढ़ा है कि लॉजिस्टिक के अंदर हम गुड्स को मैन्युफैक्चरर से लेके उसको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। लेकिन यहाँ पे इसका रिवर्स चलता है, उल्टा चलता है। यहाँ पे होता है कि हम उसकी वस्तुओं को कंज्यूमर से लेके मैन्युफैक्चरर तक वापस लेके आते हैं। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, कई बार गुड्स डिफेक्टिव होती है, कई बार हमें उनको दोबारा फिलअप करके भेजना होता है, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है जब हमें वस्तुओं को कंज्यूमर से लेकर दोबारा मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना होता है। उसके लिए हमें जो स्टडी करते हैं वो लॉजिस्टिक रिवर्स लॉजिस्टिक टर्म यूज होती है। इसके अंदर कौन कौन सी सिचुएशन है जब हमारा रिवर्स लॉजिस्टिक प्रयोग में आता है। सबसे पहली है रिसाइकल टू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट। जैसे आपकी प्लास्टिक बोतल्स हैं, पॉलिथीन बैग्स हैं, उनको इकट्ठा करते हैं कि दोबारा उनसे प्लास्टिक बोतल या पॉलिथीन बैग बनाया जा सके, तो उसको बोलते हैं रिसाइकल टू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट, वही उत्पाद बनाने के लिए। सेकेंड है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। कई बार डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं तो ग्राहक फोन करता है कि मेरे पास जो आपका प्रोडक्ट है तो डिफेक्टिव है, कोई फ्रिज है, कोई वॉशिंग मशीन है, तो आपको वहाँ से दोबारा लेके आना पड़ता है। उसके लिए जो आप क्रिया लेके आते हैं, जो आपकी प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक। उसके बाद है फोर सेंडिंग ए बैच फ्रेश बैच ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे आपकी खाली बॉटल्स होती हैं पेप्सी की, कोला की, उनको दोबारा फिलअप करके आपके पास वो आती हैं, तो उसके लिए जो खाली बॉटल्स पहुँचाते हैं वो आपको रिवर्स लॉजिस्टिक का पार्ट होता है। और थर्ड पे है वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। जो आपने वेस्ट जनरेट किया है उसको आप इकट्ठा करवाते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, कि जिससे आपकी सोसाइटी में जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब ना हो और लोग पोल्यूशन के कारण उनको बीमारी ना फैले कोई। तो जब आप वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, अपनी गुड्स को कलेक्शन करते हैं दोबारा से उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो आपका रिवर्स लॉजिस्टिक के अंदर आता है। नेक्स्ट है नीड ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इसकी आवश्यकता क्या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की, क्या रीजन है कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को बनाना पड़ रहा है। पहला है ग्रोथ ऑफ कंपटीशन। देखिए आज ना इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपनीज के पास अच्छे उत्पाद भी हैं, उनके अच्छी स्ट्रेटजीज भी हैं, लेकिन जिस कंपनी के पास अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अच्छा पैकेजिंग होगा, वो स्पीडली आपके ऑर्डर प्रोसेस करते हैं और अच्छी तरीके से अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, तो वही सफल हो सकते हैं। तो जो बढ़ते हुए कंपटीशन को टैकल करने के लिए आपके पास एक अच्छा इफेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। सेकेंड है क्वालिटी मेंटेनेंस। अगर आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है तो आपके पास अच्छा लॉजिस्टिक सिस्टम होना चाहिए। इसमें प्रोक्यूरमेंट से लेके आपको रिटर्न या रिवर्स लॉजिस्टिक तक सभी स्टेप्स को इफेक्टिवली करना पड़ता है। अगर आप अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोक्यूर करते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप ग्राहक को उनके डिफेक्टिव मटेरियल को दोबारा रिवर्सली लेके अच्छी तरह लेके आते हैं तो आपका ग्राहक संतुष्ट हो जाता है। इस तरीके से आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं अगर आपका लॉजिस्टिक जो है मैनेजमेंट अच्छा होगा। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जो चार तरह की हम उपयोगिता सृजन करते हैं, टाइम, प्लेस, फोरम एंड पोसेशन, वो आपके लॉजिस्टिक से ही पॉसिबल होता है। उसके बाद है बेटर कस्टमर सर्विस। कस्टमर को बेटर सर्विस देने के लिए, चाहे कोई सी सर्विस आपकी हो, चाहे आपकी परफॉर्मेंस की हो, कॉन्फॉर्मेंस की हो, या आपको उसको सर्विस अदर डिलीवर करनी हो, तो उसके लिए आपको अच्छा एक अफेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बनाना पड़ता है। उसके बाद है टाइम कंप्रेशन। देखिए आजकल क्या है, जो ग्राहक है वो टाइम कॉन्शियस हो चुका है, सभी कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आजकल ऑनलाइन ऑर्डर चले हुए हैं, तो ग्राहक को उसको कम समय में डिलीवरी देने के लिए इफेक्टिवली तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है वो सबसे एक कामयाब टूल का काम करता है। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। आजकल जो उद्योग हैं वो लोकल से नेशनल से ऊपर होके वो ग्लोबल हो चुके हैं, तो जब ग्लोबल हो गए हैं तो आपको ग्लोबली अपनी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए आपको जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स। कई बार गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होते हैं कि आपने इस पार्टिकुलर टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है, आपने ऐसे पैकेजिंग करनी है, आपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लॉजिस्टिक को मेंटेन करना पड़ता है।
लास्ट उसके बाद है अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलता। देखिए जो भी मार्केट में डिमांड हो रही है जैसे उत्पाद की क्वालिटी की, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही उनको अडेप्ट करना पड़ता है। ग्राहक कहाँ पर क्या चाहता है, क्या चाहता है। देखिए कई बार ना आजकल ट्रेंड क्या चला हुआ है कि लोग सर्दियों में भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कोल्ड ड्रिंक भी सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि लोग मांग रहे हैं। तो आपको जरूरी नहीं कि गर्मियों में सप्लाई करना है, आपको खुद को अडेप्ट करना पड़ता है कि जब भी डिमांड होगी आप उस टाइम उसको फुलफिल कर सकें। और लास्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन आप उनका यूज नहीं कर रहे हैं। यूज कब होगा, जब हमारे पास बहुत सारा स्कोप होगा उत्पादों को डिलीवर करने के लिए, हमारे उत्पाद की डिमांड है, लोग संतुष्ट हैं। वो कब होंगे, जब आप उनको टाइम पर डिलीवर कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का दे रहे हैं। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास हमारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है वो बहुत इफेक्टिव होगा। आपने वेयरहाउसिंग अच्छा बना रखा है, आपकी जो डिलीवरी सिस्टम बिल्कुल फास्ट है, आपका मटेरियल हैंडलिंग अच्छा है, आपके आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो अच्छा स्टैंडर्डाइज आपका आपने ऑप्शन चुना हुआ है, तो तब जाके आप कॉस्ट कम करके स्पीडली ग्राहकों को संतुष्ट कर सकते हैं और आप अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये आपकी थी नीड ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, और ये हमारा आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज आपने इस लेक्चर के अंदर क्या सीखा कि जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है बेसिकली मार्केटिंग का पार्ट है, और ये शुरुआत में जो इसका यूज था वो आर्मी पर्पज़ के लिए था, लेकिन बाद में इसको बिजनेस ने कन्वर्ट कर लिया, रॉ मटेरियल को उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद हमने स्टडी किया कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स इसके बेसिकली 9 हैं। इसके अंदर हमने प्रोक्यूरमेंट से लेके और लास्ट में वेस्ट मैनेजमेंट तक इसके 9 पार्ट्स को कंपोनेंट्स को स्टडी किया है। उसके बाद हमने इसकी नीड देखी कि आज के टाइम में विदाउट अफेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और आपको मैं आपके इस धैर्य के लिए, आपने सुना बड़ी धैर्य से, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।